हेलो एवरीवन, दिस इज़ साक्षी। आई वेलकम यू ऑल ऑन मेहनती बच्चे। सो आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बर्निंग इशू को पढ़ने जा रहे हैं, वो है प्लान बी। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या चीज़ स्टडी करने वाले हैं प्लान बी के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो प्लान बी है वो आजकल न्यूज़ में है क्यों। सेकेंड थिंग हम ये डिस्कस करेंगे कि प्लान बी है क्या चीज़। ओके, इसको लॉन्च क्यों किया गया और इसको लॉन्च करने के क्या क्या फ़ायदे हुए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि प्लान बी न्यूज़ में क्यों था। ओके, बेसिकली इंडियन रेलवेज़ ने रिसेंटली बेस्ट इनोवेशन अवार्ड दिया है किसको, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवेज को। अवार्ड देने का कारण क्या है, यही प्रोजेक्ट। ओके, प्लान बी, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने प्लान बी को लॉन्च किया था, उसकी वजह से इंडियन रेलवे ने नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे को बेस्ट इनोवेशन अवार्ड दिया है। ओके, सो अब हम डिस्कस करते हैं कि जो ये प्लान बी है वो है क्या चीज़। एज वी ऑल नो दैट इंडिया में जो एलिफेंट्स हैं, ओके, उनकी सबसे ज़्यादा डेथ क्यों होती है, बिकॉज वो ट्रेन के नीचे आ जाते हैं। इसके दो रीज़न होते हैं, एक तो ट्रेन की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, दूसरा एलिफेंट्स जो है उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर एकदम से ट्रेन आती है जब वो रेलवे ट्रैक्स को क्रॉस कर रहे होते हैं तो वो एकदम से पीछे नहीं हो पाते, ठीक है, अपनी वेट के कारण और ट्रेन की ज़्यादा स्पीड होने के कारण, जिसकी वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा डेथ होती हैं एलिफेंट्स की ट्रेन के नीचे आने से। एक अगर हम डाटा की बात करें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स के मुताबिक 2016 में 16 ऐसे एलिफेंट्स थे जिनकी डेथ हुई ट्रेन के नीचे आने से। ओके, अगर हम यही चीज़ 2017 की बात करें तो ऑलमोस्ट 12 एलिफेंट्स ऐसे थे जिनकी डेथ हुई ट्रेन के नीचे आने से। ओके, सो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कि जो एलिफेंट्स हैं उनकी डेथ ट्रेन के नीचे आने से ना हो, प्लान बी को लॉन्च किया गया। ओके, आई होप अब आप समझ के होंगे कि प्लान बी को लॉन्च करने का कारण क्या है, एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट करना कि वो ट्रेन के नीचे ना आए। अब हमने एलिफेंट्स को करना है प्रोटेक्ट, ओके, तो उसके लिए प्लान बी में ऐसी क्या चीज़ की गई। बेसिकली इसमें क्या करते हैं, जो भी रेलवे ट्रैक्स हैं, ओके, उसके आसपास ना एम्पलीफायर्स को लगा दिया जाता है। अब जो ये एम्पलीफायर्स हैं इनको लगाने का क्या पर्पस है, ये देखते हैं। ओके, बेसिकली जो एलिफेंट्स हैं ना उनको इंसेक्ट से बहुत ज़्यादा डर लगता है, नेचुरली वो डरते हैं इंसेक्ट से। ओके, उनकी जो ये कमज़ोरी है इसी का फ़ायदा उठाते हुए जो एम्पलीफायर्स हैं उनमें बीस की बजिंग साउंड का यूज़ किया गया है। मीन्स जब बीस की बजिंग साउंड बजती है तो ऐसे लगता है कि बीस का एक झुंड आ रहा है। ओके, एलिफेंट को ऐसा लगता है कि बीस का एक झुंड आ रहा है, जिसकी वजह से वो जो ट्रैक्स हैं उससे वो दूर चले जाते हैं जब उनको ये आवाज़ सुनाई देती है। ओके, बेसिकली प्रोजेक्ट बी यही है, इसीलिए इसका नाम बी रखा गया है, बिकॉज इसमें बीस की बजिंग साउंड बजती है और जो एलिफेंट्स हैं उनमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो 600 मीटर दूर से ही जो ये बजिंग साउंड है उसको सुन लेते हैं और ट्रैक्स के आसपास नहीं आते, इससे उनकी जो जान है वो बच जाती है। अब देखो, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे को प्लान बी के कारण बेस्ट इनोवेशन अवार्ड मिला है। ओके, तो ये इन्होंने लॉन्च कहाँ पे किया था, इसको लॉन्च किया गया था असम के गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पे। ओके, इसको वहाँ पे यूज़ किया गया और बहुत ज़्यादा ये सक्सेसफुल रहा, जिसकी वजह से ही बेस्ट इनोवेशन अवार्ड नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे को मिला है। अब हम कुछ फैक्ट्स डिस्कस करते हैं। ओके, इंडिया में एक एलिफेंट्स एशियन एलिफेंट्स की कैटेगरी है, उसका नाम है
एलिफास मैक्सिम्स, ओके, ये सबसे ज़्यादा इंडिया में पाए जाते हैं। ओके, अगर हम IUCN रेड लिस्ट की बात करें तो उसमें ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। ओके, और इसके अलावा आपने एक ये बात याद रखनी है कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया में ऐसी कौन सी स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा एशियन एलिफेंट्स पाए जाते हैं, तो वो है कर्नाटका। ओके, और सेकेंड नंबर पे है असम। ओके, सो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।